वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि सेन, पीजीटी ऑफ मैथमेटिक्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास तक हमने डिफरेंशिएशन और उसके कुछ मानक फलनों के अवकलन का अध्ययन किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेवन चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फलन साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, वो फंक्शन अगर किसी के इक्वल नहीं है, इट मींस वो सिंगल फंक्शन है, किसी के इक्वल नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को y के इक्वल या फिर उसको fx के इक्वल लेंगे। तो सपोज माना y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। हम इस फंक्शन को हमने y सपोज किया है, हम इस फंक्शन को fx भी सपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर पहले साइन फलन है, साइन फंक्शन है, और इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है, तो इसको कहेंगे फलन का फलन। पहले ये फलन है फिर ये फलन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएट अवकलन कैसे करते हैं, तो सुनिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy upon dx होता है। y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy upon dx होता है। अब देखिए सबसे पहले बाहर क्या है, साइन है, तो पहले डिफरेंशिएट किसका होगा, साइन का होगा, फिर डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। ओके, इसको बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चैन रूल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चैन रूल। इट मींस पहले बाहर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, फिर उसके अंदर क्या फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट, फिर उसके अंदर क्या फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट। ठीक है, तो देखिए पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे साइन का, साइन का अवकलन मैंने आपको क्या बताया था, कोस। अब देखिए एक्स स्क्वायर किसका थीटा है, साइन का थीटा है, एक्स स्क्वायर किसका थीटा है, साइन का थीटा है, तो ये एक्स स्क्वायर कोस का भी थीटा होगा, तो कोस एक्स स्क्वायर। हमने पहले डिफरेंशिएट किया है साइन का, साइन का डिफरेंशिएट हो गया कोस, एक्स स्क्वायर साइन का थीटा है, तो ये एक्स स्क्वायर कोस का भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, इंटू डीवाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट किसका होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का होगा, पहले साइन का हुआ फिर थीटा एज इट इज आया, फिर डिफरेंशिएट किसका हुआ, एक्स स्क्वायर का होगा। तो देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स एज इट इज कॉस एक्स स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो देखिए पावर कहां पे आती है, मल्टीप्लाई में आती है, ये सोनो बेस एज इट इज ऐसा का ऐसा, कितनी पावर है पहले से दो है, तो दो में से क्या लेस हो जाएगा, दो में से क्या कम हो जाएगा, वन कम हो जाएगा, तो टू माइनस वन। ओके, ये लो डीवाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर इन टू टू एक्स। देखो टू में से वन गया तो वन हो गया, और एक्स की पावर वन की वैल्यू क्या होती है, x की पावर वन x ही होता है, 2x हो गया। इसको कर लेंगे हम सेपरेट, dy upon dx 2x को हमने पहले लिखा
और इसके बाद क्या लिख दिया x cos x स्क्वायर। ये हो गया दिए गए फलन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन डिफरेंशिएट। ओके बच्चों, देखिए हम यहाँ पर छोटी सी बात एक और गौर कर सकते हैं। आपने साइन का डिफरेंशिएट कोस कर लिया थीटा एज इट इज, फिर आपने डिफरेंशिएट किया किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएट क्या कर लिया, 2x कर लिया। कितना कर लिया, 2x कर लिया। अब डिफरेंशिएट किसका होना चाहिए था, बेस का। बेस में क्या था, x। लास्ट में डिफरेंशिएट बेस का होता है, तो डिफरेंशिएट इसका बेस का डिफरेंशिएट क्या होगा, बेस में x है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। तो यहां इनटू में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ यहां पर, 1। ये x का करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 यहां पर क्या होता है, साइलेंट होता है। क्यों, 1 को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है पहले वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फलन tan 2x plus 3 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, फंक्शन tan 2x plus 3 ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे। इसको सपोज लेंगे y के इक्वल, माना y इक्वल tan 2x plus 3। ओके, सिंगल फलन था, इसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया। अब लिखेंगे हम इसका अवकलन करना है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, अब ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हिंदी मीडियम के बच्चे ये लाइन लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ y dy upon dx। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखिए वाई ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। अब बताइए पहले फंक्शन क्या है, टेन है, टेन और इसको थीटा मान लो, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये हो गया सेक स्क्वायर। अब बताइए ये 2x plus 3 tan का थीटा है, तो 2x plus 3 sec स्क्वायर का भी थीटा होगा, 2x plus 3। अब डिवाइड dx किसका होगा, थीटा का, तो वो है 2x plus 3। अगेन रिपीट, ये फंक्शन फलन का फलन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, tan का हो गया sec स्क्वायर, थीटा एज इट इज, फिर डिवाइड dx ऑफ थीटा 2x plus 3 का होगा, तो 2x plus 3 dy upon dx sec square 2x plus 3। देखिए यहां पर ये तो नियतांक है और ये यहां पर चरपद है, तो नियतांक तो कांस्टेंट तो फिर बाहर आ जाता है, पर जो वेरिएबल है उसका x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। प्लस मैंने बताया था आपको ये कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है जिसको नियतांक बोलते हैं, और अचर पद का अवकलन किसी भी चर पद के सापेक्ष एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट 0 होता है। तो dy upon dx 2 n जा 2 और 2 में प्लस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 को हमने क्या लिख लिया, आगे लिख लिया sec स्क्वायर 2x plus 3। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
कि उसमें वो थर्ड है। फलन साइन कोस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ओके तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन साइन कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सपोज करेंगे इसको, माना फलन y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर। हमने इस फंक्शन को y सपोज कर लिया, अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष क्या होगा, dy upon dx होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप क्या है बात, पहले ये फंक्शन ऑफ फंक्शन फलन का ये फलन है और का ये फलन है, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का, फिर थीटा ये एज इट इज ऐसा कैसा आएगा, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, कोस का, फिर थीटा ये ऐसा कैसा आएगा, फिर लास्ट में डेरिवेटिव किसका होगा, डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस, तो थीटा क्या है, कोस एक्स स्क्वायर, ये जो है वैल्यू है वो कोस का थीटा है सपोज किया है, तो साइन का डिफरेंशिएट तो कोस हो गया, तो ये थीटा जब साइन के साथ है तो ये थीटा किसके साथ में आएगा, कोस के साथ में आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट किसका होगा, कोस एक्स स्क्वायर का होगा। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए बच्चों, कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, ये समझो कोस एक्स का मैंने आपको अवकलन बताया था, माइनस का साइन एक्स, तो कोस का माइनस साइन, एक्स का काम कौन करेगा यहां पर, एक्स स्क्वायर करेगा। ओके कंप्लीट, अब बताइए लास्ट डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। पहले डिफरेंशिएट इसका हुआ ये थीटा एज इट इज, फिर डिफरेंशिएट इसका हुआ ये थीटा ऐसा कैसा, फिर आपको लास्ट में किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इस माइनस को हम आगे ले लेते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बच्चों, टू एक्स होगा, इस 2x को आगे ले लेते हैं तो माइनस टू एक्स कोस कोस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका साइन एक्स स्क्वायर। ओके इसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स आप माइंड करना, जो भी डिफरेंशिएट आता है फंक्शन का, जो भी डिफरेंशिएट आता है उसको आप रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज किया करो। ओके अब देखिए क्वेश्चन फोर, फलन sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन का x के सापेक्ष क्या करना बच्चों, अवकलन करना। फंक्शन sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देखिए इसका यहां पर करते हैं हम सॉल्यूशन।
माना y इज इक्वल टू sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन। आप कहेंगे सर ये तो सर डिवाइड में है, अंश बटे हर में है, तो सर इसका डिफरेंशिएट तो सर डिवाइड मेथड से होना चाहिए, भागफल विधि से होना चाहिए। बिल्कुल इसका डिफरेंशिएट हम भागफल विधि से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को सोल्व करना चाहें, अगर उसको सिंपल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। और आप याद रखना साइन और कॉस ऐसे सर्कुलर फंक्शन है कि इनके अलावा जो चार सर्कुलर फंक्शन होते हैं, चार जो फलन होते हैं, कौन से, साइन कॉस के अलावा टैन कॉट सेक और कोसेक, तो हम उस टैन की वैल्यू को भी साइन कॉस में ओपन करेंगे, कॉट होगा तो कॉट की वैल्यू को भी साइन कॉस में ओपन करेंगे, और सेक को भी हम अगर साइन में ओपन होता है तो साइन में ओपन करेंगे, कोस में ओपन होता है तो कोस में उसको तोड़ लेंगे, ऐसे ही कोसेक को। इससे क्या होगा, जो फंक्शन है आपके पास, जो फलन है वो सिंपल बन जाएगा। अगर आप यहीं से इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एक लंबी प्रोसेस होगी, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। तो देखिए y इज इक्वल टू sec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos x माइनस 1 एज इट इज, अगेन sec x है, दोबारा sec x आ गया, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x प्लस 1 एज इट इज। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 अपॉन cos x माइनस 1, तो इस 1 के अपॉन 1 ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, cos x आएगा। और cos x एलसीएम जब आएगा तो cos x यहां से तो हट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस जो एलसीएम cos x है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, cos x से होगा, cos x अपॉन, ऐसे ही इसका एलसीएम क्या आएगा, cos x आएगा, cos x से cos x कैंसिल, 1 प्लस है तो प्लस, फिर ये cos x मल्टीप्लाई इससे होगा, ये cos x आएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका आपने एलसीएम cos x लिया था, आपने इसका एलसीएम cos x लिया था, cos x गया कहां सर, बेटा इसके एलसीएम से इसका एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सर अगेन डिवाइड मेथड आ गया, दोबारा भागफल विधि आ गई, ये भी भागफल विधि थी और ये भी भागफल विधि है, तो सर यहां तो कर सकते हैं क्या, बेटा आप यहां भी कर सकते थे इसका डिफरेंशिएट, यहां भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जितना फंक्शन को सिंपल बनाया जाए उतना आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा है 1 माइनस कोसेक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 sin² x / 2, 1 माइनस कोसेक्स की वैल्यू होती है 2 sin² x / 2, और 1 प्लस कोसेक्स इसकी वैल्यू होती है 2 cos² x / 2। 1 माइनस कोसेक्स तो होता है 2 sin² x / 2 होता है, 1 प्लस कोसेक्स क्या होता है 2 cos² x / 2। तो देखिए इसलिए देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 sin² x / 2 2 cos² x / 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, sin² x / 2 अपॉन cos² x / 2। अब देखिए sin² x / 2 cos² x / 2 क्या होता है, tan² x / 2, कैसे आपने पढ़ा है, स्क्वायर को भूल जाओ एक बार, आप sin θ / cos θ, sin θ / cos θ क्या होता है, tan θ होता है, तो tan है तो tan कर देंगे, इस दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, दोनों थीटा सेम है तो थीटा लिख देंगे। तो बेटा देखिए देखना y इज इक्वल टू tan² x / 2 हो गया, साइन अपॉन कोस टेन होता है, दोनों पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, दोनों का थीटा सेम है हमने थीटा x बाई टू लिख दिया, ऐसा कैसा। अब एक सिंगल सिंपल फलन हो गया आपके पास, अगर इस फलन का आप डिफरेंशिएट करते हैं तो भी आंसर आता है, और इसका करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन ये एक सिंपल फंक्शन हो गया। तो देखिए क्या लिखेंगे हम,
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर both side differentiate with respect to x, y of derivative dy upon dx. बेटा y का differentiate क्या हो गया? dy upon dx हो गया. अब देखिए हम differentiate किसका करेंगे? इसका differentiate करेंगे. और मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी फंक्शन की पावर हो, किसी फंक्शन की आपको पावर दे रखी है, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, 2 या 2 से अबो दे रखी है, तो उस फंक्शन का जब हम किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, किसी चर पद के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी. कहने का मतलब यह है उसका डिफरेंशिएट हम किससे करेंगे? h टू द पावर n वाले से. आपने पढ़ा ना dy dx ऑफ x टू द पावर n का अवकलन क्या होता है? n x n minus 1. कहने का मतलब पावर कहां आएगी? मल्टीप्लाई में आएगी. बेस ऐसा कैसा होगा? उसके पावर में 1 माइनस हो जाएगा. ठीक है, फिर लास्ट में डिफरेंशिएट किसका होता है? उस बेस का होता है. और बेस का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 होता है. x का डिफरेंशिएट क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में 1 होता है. तो ऐसे ही ये पावर किस पे? ये पावर है tan x / 2 पर पावर है. तो पावर कहां पर आएगी? मल्टीप्लाई में आएगी. अगर किसी फंक्शन की पावर हो उसका डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर n से सीख लेना है. जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएट होता है, ऐसे डिफरेंशिएट उसका करना है. ओके, तो पावर 2 था, मल्टीप्लाई में आ गया. अब बताओ इसका बेस क्या है? इसका बेस है tan x / 2. इसका बेस क्या है? इसका बेस है tan x / 2 है. अब बताओ पहले इस पर पावर 2 थी, अब इस पर पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. क्यों? इस 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 होगा, और 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, अब बताइए डिफरेंशिएट किसका होगा? बेस का होगा. बेस में बेटा क्या है? बेस में है tan x / 2, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा. अगर यहां पर पावर 3 होती तो 3 मल्टीप्लाई में आता, इस बेस की पावर 2 हो जाती. और फिर बेस में पावर को मत लेना, इस बेस का डिफरेंशिएट अगेन कर देते हैं. तो देखिए dy upon dx 2 tan x / 2 into, बताइए पहले डिफरेंशिएट किसका होगा? tan का होगा. tan का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर होता है. x / 2 इसका थीटा है, तो इसका थीटा भी ऐसा कैसे आएगा? लास्ट में अवकलन किसका होगा? x / 2 का. पावर मल्टीप्लाई में आया, बेस ऐसा कैसा, इसकी पावर 1 हो गई. फिर आप पावर को मत देखिए, फिर आप सिर्फ बेस को देखिए. बेस का अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हो जाएगा dy upon dx 2 tan x / 2 into sec square x / 2 into, बताइए x / 2, x / 2 को हम लिख सकते हैं 1 / 2 into x. तो ये तो नियतांक हो गया. तो नियतांक तो ऐसा का ऐसा, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है. तो x / 2 का डिफरेंशिएट कितना हो गया? 1 / 2 ही होगा dy upon dx. 2 से 2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा. ये हो गया दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको रफ कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फलन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन का x के सापेक्ष अवकलन. आपको इस फंक्शन का x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है. तो डियर स्टूडेंट्स,
ये एक सिंगल फलन है, इसके इक्वल कोई फलन दे रखा है क्या, कोई आपको y या fx कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो इसको हम सपोज क्या कर लेंगे, y is equal to या फिर fx is equal to, ओके, हाँ, तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो हम यहीं पर इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ओके, ताकि लंबी प्रोसेस नहीं हो, हाँ, सॉल्यूशन 5, माना y is equal to, हमने इसको y सपोज कर लिया। अब आप कहेंगे सर आपने इसको y सपोज कर लिया, तो सर आप इसका भागफल विधि से डिवाइड मेथड से सर आप इसका डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो। बेटा अगर हम इसका भागफल विधि से इसका अवकलन करेंगे तो एक लंबी प्रोसेस होगी, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा इस फंक्शन को हम सिंपल बना लेते हैं। और आप जानते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन होती है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसी कंडीशन आपके पास में होती हैं, तो आप क्या करते हैं हर की संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करते हैं। नहीं पढ़ा आपने 10th क्लास में a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है, तो नीचे a प्लस बी है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, a माइनस बी से कर देंगे। इसको बोलते हैं रेशनलाइज, क्या बोलते हैं रेशनलाइज, हर की संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करना। ऐसे ही हम इस फंक्शन को भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल बना लेंगे। तो देखिए हर की संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने को, गुणा करने पर, ठीक है, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से y इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस साइन बड़ा ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ नीचे साइन किसका प्लस का है, इन दोनों के बीच में साइन किसका प्लस का है, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बीच में माइनस साइन कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कहलाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स। हमने हर की संयुग्मी से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये दोनों सेम है या नहीं है। देखिए सपोज दैट ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी और ये भी क्या है, ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, आपने इसको अभी a सपोज किया था, आपने इसको b सपोज किया, तो बेटा क्या हो गया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो बच्चों क्या आएगा, लिख देता हूं पूरा कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट वन प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने। अब देखिए ध्यान से आप ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको a सपोज कर लो, इसको b सपोज किया आपने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा वन प्लस एक्स प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो भी रूट कैंसिल हो जाएगा वन माइनस एक्स, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, यहां माइनस होगा तो भी स्क्वायर इसका प्लस का माना जाएगा, माइनस टू ए बी आता है तो ए की वैल्यू ये अंडर रूट वन प्लस एक्स इंटू बी अंडर रूट वन माइनस एक्स,
इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स होगा, माइनस है तो माइनस, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स, नहीं बाहर क्या है, 1 माइनस, बाहर क्या माइनस है, तो इस 1 माइनस एक्स को हमने कहाँ रख लिया, ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर टू, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, माइनस माइनस 2, 2 अंडर रूट। आप देखिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है और यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स है। आप जानते हैं कि एक वैल्यू तो रूट 2 है और एक वैल्यू रूट 3 है, तो रूट के अंदर ये वैल्यू और रूट के अंदर ये वैल्यू डिफरेंट है या नहीं, अलग अलग है नहीं है, इसलिए क्या होगा, रूट तो सिंगल आएगा और दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 आ जाएगा, ये सुनो। तो क्या होगा, इनका रूट तो सेम हो गया, 1 प्लस एक्स को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया, अब 1 प्लस ये एक्स इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस का था किसको गया, माइनस को गया, या माइनस एक्स था ये किसको हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहां लगा देंगे हम इंप्लाइज, ओके। देखिए यहीं पे कर देता हूं इसको, देखो y इज इक्वल टू 2, इसमें 2 कॉमन आ नहीं आ रहा है, 2 तो क्या हो गया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, 2x हो गया, सुनने हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया बच्चों, y इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सर स्टार्टिंग में भी सर डिवाइड में था और सर आपने हमने सोल्व किया तो तब भी सर किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, लेकिन कह रहे बच्चों इस फंक्शन से ये फंक्शन सिंपल है, इसका डिवाइड से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपसे कहीं मिस्टेक नहीं होगी, इसमें आप मिस्टेक 101% कर देते, ठीक। सुनिए तो इसको हम डिवाइड से ना करके इसको थोड़ा सा वैसे सिंपल कर लेते हैं बिना डिवाइड, तो क्या वाई इज इक्वल टू, देखिए इसको हम सेपरेट करते हैं, ये एक्स इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, दोनों के बटे में है, तो ये x एक बार इसके बटे में रख लेते हैं तो 1 बाई एक्स आ गया, माइनस माइनस, अब इस x को इसके बटे में रख लेते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x कर दिया, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखिए y इज इक्वल बेटा 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये x की पावर नीचे 1 है, ऊपर की तो पावर क्या होगी, माइनस 1 होगी, ये सुनो, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ऐसा कैसा, सॉरी x क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट dy / dx, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम एक बार, तो लिख देते हैं, देखो किसी फंक्शन को आप इस मेथड पे लिखते हैं, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएट हो रहा है, माइनस dy dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो देखिए डीवाई अपॉन डीएक्स बेटा एक्स टू द पावर माइनस 1 है, इसका हम किससे करेंगे, एक्स पावर एन से करेंगे, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो पावर कितनी है, माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ गया, फिर इनटू भी क्या आएगा, बेस, बेस ऐसा का ऐसा गया बेटा, बेस एक्स ही तो है, अब जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, पहले पावर क्या थी, माइनस 1 थी, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो गया, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, बेस एज इट इज ऐसा कैसा आ गया, जो पावर है उसमें से 1 माइनस करना है तो पावर पहले से माइनस 1 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 लिख दिया हमने, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट हो गया माइनस,
इसका डिफिनेशन किससे होगा, अवकलन किससे होगा, भागफल से होगा, ये अंश और ये हर है। तो देखिए क्या होगा, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, हर का वर्ग नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया, हर का वर्ग, भागफल विधि का फॉर्मूला ये तो था, अंश बटा हर है तो हर का वर्ग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखिए हर ऐसा का ऐसा, किसका अवकलन करेंगे हम, अवकलन करेंगे ऊपर वाली वैल्यू का, अंश का, अंश में क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, भागफल में साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ऐसा कैसा, और डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स का होगा। ओके अब देखिए ध्यान से, आप डीवाई अपॉन डीएक्स माइनस वन इंटू एक्स पावर माइनस टू होगी, माइनस एक्स इंटू, बेटा इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएट अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष भाई, एक्स के सापेक्ष, डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, किसी भी रूट के अंदर अगर कोई वेरिएबल है, रूट के अंदर अगर कोई वेरिएबल है और आप उस पूरे का फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हो, अवकलन करना चाह रहे हो, तो आप वन टाइम क्या लिखोगे, वन अपॉन टू अंडर रूट, और वो वेरिएबल ऐसा का ऐसा। सपोज दैट आपके पास रूट के अंदर साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है, उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो आप एक्स के रेस्पेक्ट में, अवकलन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू अंडर रूट, और वो साइन एक्स ऐसा का ऐसा, कोट आए तो वन अपॉन टू अंडर रूट कोट ऐसा का ऐसा, फिर आप डिफरेंशिएट किसका करेंगे, रूट के अंदर क्या है, एक्स है, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक होता है, तो रूट एक्स का अवकलन क्या हो गया, वन अपॉन टू रूट एक्स हो गया, ये सुनो। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये रूट में है, इसका एक बार अवकलन क्या होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक बार अवकलन हो गया। अब बताओ अवकलन किसका होगा, बेटा रूट का तो वन अपॉन टू रूट हो गया, अब रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होगा, वन तो एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन क्या होता है, जीरो, माइनस है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, टू एक्स होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टू एक्स, तो ये हो गया माइनस का टू एक्स। देखिए एक्स ऐसा कैसा, इसका आपने अवकलन किया इतना हो गया, माइनस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक होता है, और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इस टू से ये टू कैंसिल हो गए। देखिए इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बेटा अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, आप बताइए एक्स की पावर माइनस टू है, अगर इसको हम बटे में ले जाएंगे तो x की पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये माइनस वन तो ऊपर और x की पावर माइनस टू बटे में गया तो पावर प्लस की होगी, x स्क्वायर हो गया माइनस। देखिए अपॉन में क्या है, अपॉन में x स्क्वायर है। अब बताओ बच्चों, तो ये वैल्यू देखो, x को मल्टीप्लाई वन से करेंगे x आएगा, और उस x को मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या है, बोलो, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, माइनस माइनस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन हमने क्या मान लिया, वन मान लिया। ओके माइनस के सामने लाइन होनी चाहिए। ओके अब देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अब बताओ बच्चों, देखिए इसको भूल जाओ, ये तो नीचे आ गया ऐसा कैसा,
बेटा इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम ये तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोलिए एक बार, इसका एलसीएम ये तो है, तो ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर क्या क्या आएगा, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये मल्टीपल ये इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा ब्रैकेट लगा दिए क्यों, बार माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, ओके थोड़ा नीचे लिख दे इसको, ओके ये तो डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये सुन लो हाँ इतना हो गया, अब देखिए ध्यान से अपॉन बेटा ये जो रूट है ये जो वैल्यू है रूट की वैल्यू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बताइए अंदर क्या है, अंदर माइनस 1 है, माइनस 1 को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऐसा का ऐसा, देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका लेंगे हम एलसीएम लघुत्तम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर भी आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा, ये सुनो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा कैंसिल हो गया तो क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस 1 से होगा तो माइनस 1 से करेंगे तो ऐसा का ऐसा माइनस लग गया प्लस प्लस इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल होगी तो क्या हो गया 1 हो गया, पहले प्लस की वैल्यू लिख देते हैं 1 फिर ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट हो गया दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके डियर स्टूडेंट्स तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना, हाँ तो देखिए ओके okay.